किस गल दा पंगा तू पड़ाए। मुझे जॉब मिल गई और पूरे 40,000 तनख्वाह लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी तो तनख्वाह मुझसे भी ज्यादा हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। इसको सारी इजाजत है, इसकी तालीम भी मुकम्मल करा दी और अब उसको नौकरी भी मिल गई। सारी पाबंदी आपने बस मेरे लिए रखी थी। मुझे भी अपने फराज के लिए आप जैसे लोगों की तलाश थी। मेरे नजदीक रुपए पैसे से ज्यादा नेकनामी, इंसान का किरदार, शराफत ज्यादा अहम। अलमारी खोलो, वो यहाँ तुमने हार छुपा के रखा होगा। उठो तो वरना शूट कर दूंगा। हार मिल गया। तुम जाओ, मैं इसका इलाज करके आता हूँ। हार मिल तो गया, और क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ, तुम्हारा इलाज भी तो करना है। बैठो यहाँ। और हाँ, अगर चूचा करने की कोशिश की या मेरे जाने के बाद कोई फसाद बर्पा किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी तुम? पहले तो सिर्फ फायरिंग की थी, इस बार तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी तुम्हें, लाश, समझे ना? अम्मा ये अब क्या कह रही हैं? बेटा सोच समझ कर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अम्मा शाकिर चाचा तो अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, बड़ी को छोड़ के छोटी की बात करना मुनासिब नहीं है। देखो बेटा, शादी ब्याह दो दिन की बात नहीं होती, उम्र भर का साथ होता है, घर औरत से ही बनता है। और घर चलाने के लिए घरेलू समझदार सूझी हुई लड़की होनी चाहिए। बड़ी में मुझे वो ठहराव सलीका दिखाई नहीं दिया जो छोटी में। माँ मैं माम के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या तुम बड़ी को पसंद करते हो? बात पसंद और मोहब्बत करने की नहीं, अनम मुझे अच्छी लगती है। अच्छा तो ये बात, फैसला आपके ही होगा। लेकिन लेकिन बेटा मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर ये फैसला नहीं करूंगी। तुम्हारे पास बुरी राय, अच्छी तरह से सोच लो। लेकिन जो मैं देख रही हूँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सुबह बात करेंगे, लेटती हूँ मैं, सर दर्द कर रहा है। अपने दिल दा महरम ना बन, रब दिवी तू मरया कर, उस दे बख्शी नेमत डाली कलया में। ये कौन सा तरीका था फराज की माँ से बात करने का? इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया था कि तुम सारी तहजीब और तमीज भूल जाओ। इतने कमबख्त तुम्हारा फोन, दो घड़ी इसको बंद नहीं कर सकती, सारा वक्त टूट टूट टाटा कर रहा होता है। आप दोनों ने खामखा मुझ पे गुस्सा कर रही है। वो किस बात की पुलिस अफसर बनी हुई थी? सवाल पे सवाल किए जा रही थी मुझसे। क्या गलत सवाल पूछा? हर लड़के की माँ ऐसे सवाल करती है। अच्छा किस बात की इंक्वायरी? हाँ मुझे देखने आई थी, इंक्वायरी करने के लिए आई थी वो। फस मत करो, तुम चुप करो, हर मामले में नहीं बोला करो। तुम भी अपने रवैये पे गौर करो, किस कदर बेरुखी और रूखेपन से जवाब दिए थे। रिश्ते से इनकार कर देंगी ना, करती है तो कर दे मेरी बला से। क्या कहा, दिमाग सही है तुम्हारा? कितना अच्छा और शरीफ लड़का है फराह, कहाँ से मिलेगा ऐसा रिश्ता? अरे बाप की परेशानी खत्म करो, बस कर दो ये जिद। पूरी दुनिया में से देगी तो रह गया, ना घर है ना गाड़ी है उसके पास। लोग इतना कुछ डिमांड करते हैं, हमारे इस मामूली से घर में अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता भेजा, तुम्हारी रवैये की वजह से चला जाएगा। जाता है तो जाए, किसी को बांध के तो नहीं रख सकते ना। और उसकी माँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खबरदार जो तुमने कोई फजूल बात की। खुद तो जैसे बहुत सलीकेमंद, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो जो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ गया। एक वो निगत अपनी बेटी के लिए किस किस से कहती रहती है। जी बिल्कुल पापी, फराज भाई बहुत अच्छे हैं, उनको लूज मत करना। अच्छे बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, सबसे बुरी ना बस मैं उस घर में।
जरका मैंने कहा है कि ना उसकी कुंडी लगाया कर, डाकू आ गए थे। क्या डाकू? अम्मा क्या क्या हो गया तुझे? क्या जा जा के मर अपने दोस्तों में, मैं मर भी जाऊंगी ना तो तू घूमता फिरता ही रहेगा। बोलो तो सही हुआ क्या? नच पाए थे गुंडे को लेके, मुझे पिस्तौल दानी अपना हार निकाला और मुझे बांध के चले गए। कितनी जरूरत, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू बस बढ़िया ही मारता रहना। तू क्या कर रही है खड़ी? चल जा, दफा हो जाए इधर से। जी अम्मा, ये लोग खतरनाक होते जा रहे हैं, इनका इलाज करना होगा। हाँ जो भी इलाज करना है ना मैं कर लूंगी। तू बैठा रहे हट, हराम बेगैरत। तुमका ख्याल रखो, ऊपर दिन की बातें सुनो। आजा आजा दफा हो जा, शकल ही देखना चाहती मैं तेरी। मेरा वैसे ही सर फट रहा। अभी तक सोई नहीं? जाग तो आप भी रहे। आप बस हुई यूं ही तो नहीं लगता। लगता है कि आपकी अम्मा ने कोई ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर ना आपको नींद आ रही है ना मुझे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अम्मा ना बड़ी पुराने जमाने की हैं, वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करती, सोच समझ कर करती। तो वैसे भी अभी तुम आप लोगों से मिलने आई। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे तो लग रहा था कि आपकी अम्मा का मुझसे मिलने के बाद इरादे ही बदल गया, और आपका भी। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, पर इंशाल्लाह वो कल बात पक्की करने भी आए। नाश्ता कर ले, आज माशाल्लाह से आपकी तबीयत बहुत बेहतर लग रही है। हाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ, कल से ऑफिस भी जाऊंगा। शाकिर मैं तो सारी रात नहीं सो पाई, बहुत परेशान रही हूँ। क्यों क्या हुआ? बस यही सोचती रही हूँ कि फराज की माँ ने अगर इनकार कर दिया तो। राहत, अल्लाह पे भरोसा कर, वो जो करेगा ना बेहतर करेगा। ये तो ठीक है मगर देखो राहत, अगर अनम का नसीब फराज के साथ लिखा है तो इंशाल्लाह होकर रहेगा, और अगर नहीं लिखा तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बेटियों की माँ होना
सोचे तो परेशान करती हैं, और आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं? फराज अच्छा लड़का है, लेकिन हम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे फराज की माँ को माम ज्यादा अच्छी लगी है। अगर उन्होंने माम का रिश्ता मांग लिया तो माम बहुत समझदार है, और हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। माम का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। फराज, फराज बेटा आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ गया अम्मा। फराज क्या सोचा बेटा? अम्मा शादी उससे करनी चाहिए जो आपके दिल को अच्छी लगे। मेरे दिल को ना भी अच्छी लगती। ठीक है, अब मैं कोई बहस कोई सवाल नहीं करूंगी, बल्कि जाकर रिश्ता पक्का कर लूंगी। थैंक यू अम्मा। बस बेटा मुझे तो अपने बच्चे को खुश और आबाद देखना। अच्छा चलो तुम नाश्ता करो, मैं जाकर बावर्ची खाने में बाकी काम देखू। जी खान भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आपने फोन ही उठाया, तो मैंने उनको बता दिया कि जो हार वाली औरत आई थी वो किसी आदमी के साथ आई थी और वो आपके कमरे से। क्या बताया तूने? क्या बताया तूने? कुछ नहीं, मैंने और कुछ नहीं बताया। नहीं बताया तूने? घर की बातें बाहर बताती है? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। तेरी ये जुर्म बता, क्यों बताया तूने? क्यों बताया? तबीयत जी अल्लाह का शुक्र। भाई साहब मैं अनम बेटी और फराज के रिश्ते की बात पक्की करने आई हूँ। बहुत नवाजिश आपकी। सच मानिए तो फराज को हमेशा मैंने अपने बेटों की तरह ही समझा है। और मैं भी फराज की हर ख्वाहिश पूरी करने में खुश हूँ। बेशक औलाद की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती। जी बिल्कुल, आप मानम बेटी को बुला लें, मैं बुला के लाती हूँ। आप चाय लीजिएगा। लीजिए जी। आप भी लें जी। ऐसा बन अरे बेटा यहाँ हो, तुम यहाँ बैठो। शाकिर आप इधर आ जाओ। इजाजत है भाई साहब? जी बिस्मिल्लाह। साहब शादी की भी तारीफ दे दें। मेरा तो ख्याल है कि आप ही बता दीजिए। आज सोमवार है मेरा ख्याल है, तो इसी इतवार को निकाह का दिन रख लेते हैं। इतनी जल्दी? थोड़ा तैयारी का भी वक्त चाहिए होगा। कैसी तैयारी?
जहेज वहेज बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, इससे कीमती क्या होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ नहीं। हम और हमारी अनम बहुत खुश नसीब है जो आप जैसे शरीफ लोग हमें मिले। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी मुबारक हो। तो चलो फिर इस इतवार को हम आएंगे अपनी बेटी को लेने। साड़ी अपनी बूटी पहन के चली गई, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अभी अब क्या मसला हुआ है? ऐसे होती है मांगनिया, ना कोई ढंग की रसम, ना मिठाई, ना कपड़े, और ये अंगूठी, ये पहना के गई है मुझे कंजूस अम्मा। अभी कुछ तो शर्म करो, वो लोग भी कौन से इतने वेल ऑफ है। बस मेरी किस्मत में ही सब कुछ रह गया। मेरी फ्रेंड्स, उनके इतने क्लासी मांगनिया आती है, इतने क्लासी इवेंट्स, डिजाइनर कपड़े, पता नहीं मेरी किस्मत में लिखी गुर्बत कब खत्म होगी। जिस दिन तुम शुक्र अदा करना सीखोगी। किस बात का शुक्र अदा करूं, मेरे पास है ही क्या। शुक्र अदा करना सीखोगी। अनम, ये अंगूठी क्यों फेंक दी? ये इसे अंगूठी बोलते हैं? ये पीतल की अंगूठी पे सोने का पानी चढ़ा के इसे मुझे पहना दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रही हो? शुक्र करो नेक शरीफ लड़का मिला है तुम्हें। आजकल तो पढ़े लिखे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह ने तो इतना करम किया, इतना अच्छा लड़का मिला और इतनी अच्छी माँ भेज दी। इतने कसीदे नहीं पढ़े, उनके खाली घर में जाके मैं कैसे गुजारा करूंगी। के जाती मैं उधार लोगों से चीजें मांगना शुरू कर दूंगी मैं। बेटा जरूरत की थोड़ी बहुत चीजें देकर ही भेजूंगी ना। थोड़ी बहुत चीजें क्यों, मैं सारा जहेज लेके जाऊंगी, टीवी, फर्नीचर, फ्रिज, हर चीज लेके जाऊंगी मैं। इतना जहेज अब्बा कहाँ से लाएंगे? क्रेडिट कार्ड काट कर तो उन्होंने पढ़ाया है। हमें ब्याना भी ना उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मर्जी से शादी कर तो रही हूँ, और क्या करूँ मैं। समझाना फजूल है। माँ आप अपनी मर्जी करें, इसकी ना सुनो। अच्छा मैं एकेडमी जा रही हूँ, खुदा हाफिज। मुबारक हो फराज। तुम्हारी शादी की बात पक्की कर आई। अम्मा थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। चाय लेकर आऊं तुम्हारे? नहीं नहीं, आज हम बाहर होटल से खाना खाएंगे और चाय भी पियेंगे। अच्छा चले जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी शादी के बाद तुमने बाहर ही खाना खाना। क्यों अम्मा? तुम्हारी बीवी को कम ही आता है खाना बनाना। अच्छा खैर, जैसे तुम दोनों खुश वैसे ही मैं खुश। अच्छा ये बताओ मुझे कि कोई पैसे वगैरह जोड़े हुए हैं तुमने शादी पे खर्च करने के लिए? अम्मा कुछ खास नहीं है, यही 25-30 हज़ार रुपये होंगे। और मुझे क्या मालूम था कि शादी अचानक आ जाएगी। ये मेरे पास है कुछ पैसे, मैं जे 1,00,000 रुपए है तुम्हारी तनख्वाह से बचाकर मैंने रखे हुए थे, आते हुए रख लिए कि काम आएंगे। लो अब ये तुम्हारे काम आएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। बेटा यही तो औरत की समझदारी होती है कि मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ जोड़ कर रखें। इसको ना समझदारी के साथ खर्च कर लो। मेरा बच्चा आप खुश तो हैं? आप खुश हैं? बहुत। वो क्यों? जाहिर है मियां बीवी का कोई रिश्ता मामूली रिश्ता नहीं। और शायद अल्लाह ने आपको पहले दिन से मेरे नसीब में लिखा। मैं यहाँ पर आया, आपसे मिला, आप दिल को अच्छी लगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि यूं अचानक आपसे रिश्ता तय हो जाए। अच्छा बताए क्या मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसा आपने सोच रखा था? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शादी से पहले हर लड़का हर लड़की अपने स्पाउस के बारे में कुछ ख्वाब बनाते, तो यकीनन आपने भी कोई ख्वाब बनाओ।
सोचा तो बहुत कुछ था मैंने अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में। तो मैं वैसे ही हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? क्या बाकी मैं आपकी सोच तो आपको हाथ के ऑपोजिट हूँ? हाँ, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था अपने और अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में। मसला ये कि मैंने सोचा था स्टडीज के बाद मैं लेक्चरर बनूंगी, किसी बहुत अमीर आदमी से शादी करूंगी और अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी जो अब वक्त घर में पूरी नहीं हो सकी। तो ख्वाहिशात क्या है? कि वो मुझे घुमाए फिराए, मैं जो भी आज करूँ ना वो झट से पूरी कर दे। हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे ये ख्वाहिशात मैं भी पूरी कर सकती। अब्बा की तरह आपकी भी हर महीने की लगी बंदी तनख्वाह होगी, उसमें मर मर के गुजारा होगा। वैसे मेरी इतनी बुरी तनख्वाह नहीं है। अच्छी होती तो क्या? कुछ नहीं। इसके मतलब है आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही। आपके दिल में जो बात है मुझे बताएं ना। मंगनी से लेके शादी तक हर लड़की के अरमान होते हैं कि उसका ससुराल उसे वैल्यू करे, उसके नाज नखरे उठाए। अच्छा ना, प्लीज आप खुलकर बात करें। वैल्यू करने से क्या मतलब? ससुराल से आए हुए कपड़े जूली लड़की को उसकी वैल्यू बताते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। वो मैं समझ गया आप। एक्चुअली सब कुछ ना इतनी जल्दी में हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा कि आप खुश हो जाए। बेटा, तुम्हारे जहेज के लिए थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करती रही हूँ, वही देख रही थी। ये तो पता नहीं आपने किस जमाने में दिया होगा, इतना ओल्ड फैशन सामान है, मुझे नहीं चाहिए ये। अम्मी बेटा, तुम हमारे हालात तो जानती हो ना, तिनका करके थोड़ा बहुत जमा किया है, अब तो मैं खाली हाथ भी तो नहीं भेज सकती ना। वो अम्मी, आजकल ना इस पैकेज का बहुत ट्रेंड चल रहा है। ये क्या बुला है? अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो ना किस्तों पर जहेज दे देती हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो। ये देखें, मोटरसाइकिल भी दे देती हैं, मैंने फोन पे देखा अभी। वाकई? हाँ हाँ, लाखों का सामान किस्तों पे मिल जाता है। ये तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं बात कराती हूँ अभी, ये ले। ना ना बाबा, उनसे नहीं बात होगी, तुम बात करो। मैं करूँ? हाँ। हेलो जी, आपका मैंने अभी ऐड देखा था कंपनी का जहेज की, वही बात कर रहे हैं? जहेज पैकेज के बारे में? जी जी, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या सामान मिलता है और कितनी इंस्टॉलमेंट पे देते हैं आप लोग? मैडम, आप हमारी कंपनी विजिट करें, सामान देखें, उसके मुताबिक मैं आपको किस्त बता सकता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये वही एड्रेस है ना जो यूट्यूब पे आपने डाला हुआ था अपने ऐड के ऊपर? जी बिल्कुल। ठीक है जी। मम्मी, मैंने तो आपकी सारी परेशानी हल कर दी, ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना। आप ऐसा करें, ये देखिए ये ऐड, आप देखिए सही से क्या क्या सामान। नहीं काट देती हूँ आपका काम, मैं कर देती हूँ, आप सुबह से काम करें। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है कि आप ठीक होके आ गए वापस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा फोन करते रहे मुझे और पैसे भी भिजवाए आपने। अरे भाई, क्यों शर्मिंदा करते हो, ये तो शुक्र है कि आप माशाल्लाह ठीक होके दफ्तर वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह,
मुदसर भाई, अनम का रिश्ता बड़े अच्छे घर में तय हो गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुना दी सुबह ही सुबह। अल्लाह ताला बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। मुदसर भाई, मसला ये है कि वो लोग जो है ना, बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं, और आपको पता है इतनी जल्दी शादी करने का बंदोबस्त नहीं है मेरे पास। कह तो आप सही रहे, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ। अच्छा कहिए। भाई मेरी बीवी जो है ना, वो वक्फे वक्फे से कमेटियां डालती रहती है, और इस महीने भी वो कमेटी डाल रही है 2 लाख रुपए की। अगर आप कहें तो मैं आपकी कमेटी भी डाल देता हूँ 10,000 रुपए महीना, और पहली कमेटी में आपको दिला देता हूँ। मुदसर भाई, ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपका और भाभी का सारी जिंदगी मशकूर रहूंगा। अरे भाई कैसी बातें करते हो, मैं उनको आज फोन कर देता हूँ। बल्कि आज क्या, मैं अभी फोन कर देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है। तेरा लाख लाख शुक्र। बेशक तू वहां से सबक पैदा करता है जहां तक इंसान की सोच नहीं जाती। माहम, सब कुछ स्मूथ चल रहा है जी? गुड। सबके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत कॉपरेट किया मेरे साथ। आप जैसे कॉम्पिटेंट लोगों के साथ कॉपरेट करना चाहिए जी, लेकिन आपकी तरह हर कोई नहीं सोचता ना। लोग तो उधर दूसरों के रास्ते में सिर्फ कांटे बिछाते हैं, उधर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं। आप कांटे बिछाने वालों के बारे में क्यों सोच रही हैं? आप उनके बारे में सोचें जो आपके रास्ते से कांटे हटाते हैं। क्या मतलब? फूल से कांटे वो ही हटाता है जो फूल से मोहब्बत करता है, और वो उसकी कदर कीमत जानते हुए उसको बहुत संभाल कर रखना चाहता है। ठीक लग रही है, लगता है दिन बड़ा अच्छा गुजरा। हाँ, बड़ी खुशी की खबर है। कैसी खुशी? बेटियां वाकई अल्लाह की रहमत होती हैं। अल्लाह ने फरमाया ना कि उनके रिस्क की फिक्र मत करो, तो सच फरमाया। अच्छा, अब बता भी देना। भाई मुदस्सर साहब से मैंने अनम बेटी की शादी के और उसके अखराजात के जिक्र किया, तो उन्होंने झट से कह दिया कि उनकी बेगम जो है वो 2 लाख की कमेटी डाल रही है, तो पहली कमेटी हमें दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह ताला वहां से वसीला बनाता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 2 लाख में शादी कैसे होगी? इंशाल्लाह जरूर होगी, मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह पे। वो अनम कह रही थी कि कुछ कंपनियां जो जहेज का पैकेज देती हैं, इसे तो मोबाइल पे बात भी कर ली। हरगिज नहीं, मैंने अपनी बेटियों को हलाल की कमाई से पाला है, और हलाल की कमाई से ही रुख्सत करूंगा। मम्मी, अब्बा को साफ साफ बता दे, जहेज किस्तों पे लेना है, जैसे लेना ले, मैं सारा जहेज लेके जाऊंगी, और दादी को बताने की जरूरत नहीं, नसीहतें शुरू कर देंगी वो तो। अम्मा, ये जहेज पैकेज का खमियाज आप ही के दिमाग में डाला किसने? बेटा वो वही यूट्यूब पर देखा तो इसने फोन मिला लिया। आप तो आज बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर बैठ गए हैं, अब्बा कभी भी नहीं मानेंगे। देखो रात, हमने अनम बेटी को जहेज तो देना है ना, खाली हाथ तो रुख्सत नहीं कर सकते। अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बनाए। देखे, इधर उधर जाने के बजाय अगर हम किसी कंपनी से कर्ज ले लेते हैं तो किसी पे कर्ज भी नहीं होगा और हमारा भरम भी रह जाएगा। आप कल जाके मिल तो ले, अगर दिल ना माने तो ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। हाँ?
क्या शमीम बाजी वाकई मेरे पीछे पड़ गई है या मेरा वहम है? नहीं 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 नहीं, मेरा वहम ही है। कौन? अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं फरजाना, क्या हाल है? तबीयत ठीक नहीं है। हाय अल्लाह, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? तबीयत क्यों, क्या हुआ? मुझे तो आप तबीयत से ज्यादा परेशान लग रही हैं। बताएं ना, क्या कोई मसला मसला है? मसला ऐसा है जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मसले कौन से समझ आते हैं भाई, मसलों का तो हल ढूंढना पड़ता है। आप बताएं ना क्या बात है। अल्लाह शगुफ्ता बाजी, आप ना आंखें बंद करके मुझ पे यकीन कर सकती हैं, कसम से। मैं ना आपको दिल से अपनी बहन मानती हूँ, पक्की बहन समझती हूँ मैं। हाँ शगुफ्ता, तुम आती हो ना तो मेरे दिल में ठंड सी पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी बहन को देखकर पड़ती है। दिल चाहता है तुम्हें अपने पास ही रखूं। दिल तो मेरा भी यही चाहता है शमीम बाजी, कि यहां से कभी ना जाऊं, आपके पास ही रहूं। लेकिन क्या करूं, नवीद है ना, सर पे बाप का साया भी नहीं। मैं ना जाऊं तो कुछ खाता भी नहीं है। अब देखो ना, मेरा बेटा अमरीका जाकर बैठ गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता, और तुम्हारे बगैर इस घर में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। किस गल